Moving forward to problem 5-5, in which a truss is given to you. This truss is being supported at point C by a pin joint and at point A by a rope. So you need to draw the free body diagram of this truss, जो कि आपको ये show की गई है. So truss आपको given है, ये point C के ऊपर pin connected है. Again, pin connection के ऊपर reaction forces क्या क्या मिलती हैं जब आप isolate करेंगे? सर perpendicular और horizontal. So, ये दो आपको फोर्सेस मिल गई CX और CY. इसके अलावा पॉइंट ए के ऊपर रोप लगी हुई है. सो जब आप इस रोप को रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर टेंशन फोर्स. तो टेंशन इन दिस रोप मिलेगी, विच इज वुड बी एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज. इसके अलावा आपके पास दो अदर अप्लाइड फोर्सेस हैं, 3 kN की, 4 kN की. सो नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट. कोई चीज मिस तो नहीं कर गए हम? नहीं सर. अच्छा चलें, अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा चेंज करता इस प्रॉब्लम को, मैं आपसे कहता कि आपके पास ये बीम पॉइंट ये जो राइट एक्सट्रीम एंड है, सपोज मैं इसको पॉइंट डी कहता हूँ, इस पॉइंट डी से फिक्स सपोर्ट हुई हुई है. अब क्या आना था फिर? दो रिएक्शन फोर्सेस और एक मूवमेंट आएगा. यहाँ से तीन फोर्सेस नहीं कराती. तो यहाँ से मैं इसको डी एक्स और डी वाई लिख लेता. दो तो रिएक्शन फोर्सेज आ गई, इसके अलावा क्या आना था? रोटेशन फोर्स. रोटेशन आ जानी थी, मोमेंट आ जानी थी, जिसको मैं एम डी से रिप्रेजेंट करता अगर ये पॉइंट डी के ऊपर फिक्स सपोर्ट हो. लेकिन चूंकि पॉइंट डी हवा में है, कहीं से कनेक्ट नहीं हुआ हवा, तो इसके ऊपर फिर किसी किस्म की फोर्स नहीं आएगी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. अच्छा चलें, अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं आपसे कहता कि ये जो पॉइंट डी है, नाउ दिस पॉइंट डी विच इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये रोलर सपोर्ट है इसके ऊपर. अब क्या आना था? सर इस पे नॉर्मल कोई फोर्स आ जानी थी. वर्टिकल रिएक्शन फोर्स. तो इसके ऊपर इस सूरत में एक अदद वर्टिकल रिएक्शन फोर्स आ जाता, जिसको मैं डी वाई कह लूं, एंड डी कह लूं, जो भी रिप्रेजेंट करना चाहूं. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास वो रिजिड बॉडी कहां कहां से कनेक्टेड है. जो जो आप कनेक्शन रिमूव करते जाएंगे, हम उन्हीं दो रूल्स को फॉलो करते जाएंगे. अब देखें, आपको किसी सूरत याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ आना चाहिए. आप वो दो जनरल रूल्स याद रखें जो आपको मैंने आज के लेक्चर में भी स्टार्ट में दिखाए और कल भी दिखाए थे, कि जब जब कोई सपोर्ट रिएक्शन ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहे, जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ फोर्स एज अ रिएक्शन फोर्स के तौर पर. जब जब कोई सपोर्ट रिएक्शन रोटेशन को प्रिवेंट कर रहे, तो फिर आपको मोमेंट भी मिलेगा. ठीक है, तो ये दो रूल्स याद रखें, इंशाल्लाह आपकी फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा सही बनेगी.